हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज 30 जो आपका दिसंबर, आज जो HSSC का मेंस एग्ज़ाम हुआ है उसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। इसमें दोस्तों, यदि सॉल्यूशन से पहले यदि चैनल पर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हर जो शिफ्ट है उसका मेन सॉल्यूशन आपको क्वेश्चंस का मिलेगा, क्योंकि दोस्तों सब्जेक्ट टाइप सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर इस एग्ज़ाम की बात करता हूँ तो लगभग 75 क्वेश्चन दोस्तों जो आपका सब्जेक्ट रिलेटेड 75% रहा है, और फिर जो और सब्जेक्ट बचते हैं उनके दो चार पाँच क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। हिंदी और इंग्लिश नदारद रही है, बिल्कुल नहीं पूछी गई है। यानी कि जो एग्ज़ाम दोस्तों 70 से 75% स्पेसिफाइड सिलेबस इसमें रहा है। तो जो हमारे क्वेश्चन आए हैं दोस्तों उनके बारे में जिक्र कर लेते हैं। चलिए देखिए, क्वेश्चन का सिलसिला शुरू करते हैं। तो एक उपकरण जो दो लेन या एक ही लेन के दो खंडों को जोड़ता है दोस्तों, तो देखिएगा स्विच इसमें रहेगा। स्विच में दो या दो से ज़्यादा जो है ना, इसमें आपके जो स्विच होता है कंप्यूटर में, जो लैन यानी लोकल एरिया नेटवर्क को जो जोड़ता है उसमें बहुत सारे स्विच लगे रहते हैं, यानी दो या दो से ज़्यादा लैन को आपस में कनेक्ट करता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखते हैं अगला क्वेश्चन जो हरियाणा के का है, चौथा क्वेश्चन। हरियाणा सरकार ने पंजाबी को राज्य की द्वितीय भाषा के रूप में कब अधिसूचित किया था, तो 2010 इसमें राइट आंसर दोस्तों रहेगा। उसके बाद ये स्पेसिफिक क्वेश्चन जो हम ये छोड़ देते हैं दोस्तों। LPG का रंग क्या होता है, तो LPG का रंग क्या होता है दोस्तों, ये बेरंग इसमें दिया गया है, तो बेरंग राइट आंसर रहेगा। लेकिन अगर इसमें सल्फर मिला रहता ना दोस्तों तो हल्का इसमें बोल सकते हैं, जैसे जब LPG जलती है तो नीले रंग की होती है, तो हो सकता है यहाँ पे देखिएगा नीला रंग भी राइट आंसर हो सकता है, क्योंकि गैस आपने देखा होगा जब गैस स्टोव जलता है तो वो नीला रंग दिखाई देता है गैस स्टोव जलते वक्त, तो ये हो सकता है, इन दोनों में से ही आपका राइट आंसर रहेगा। उसके बाद आगे देखते हैं, वह तापमान जिस पर कोई तरल उबलता है और वाष्प बन जाता है वह क्या होता है। देखिए कोई भी तापमान पर कोई पदार्थ उबलता है और दूसरी अवस्था में चेंज हो जाता है दोस्तों, यानी उबलता है तो क्वथनांक रहेगा, लेकिन दूसरी अवस्था में चेंज होता है दोस्तों, उबलना रहेगा क्वथनांक, लेकिन गलाना यानी कि एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदलना, तो गलनांक इसमें रहेगा, और हिमांक यानी किसी बिंदु का जमना, ये तीनों ही मैंने आपको बता दिए हैं, तो इसमें रहेगा दोस्तों आपका गलनांक, यानी कि एक चीज़ से दूसरी चीज़ में बदल दिया हो, वाष्प बन गया, जैसे कोई तरल उबाल दिया हमने वो वाष्प बन गया दोस्तों। जैसे जल की बात करेंगे तो इसमें आपका देखिएगा, एक सेकंड रुकिएगा, एक बार देख लेते, द टेम्परेचर एट विच ए लिक्विड बॉयल्स एंड बिकम ए वेपर्स इज द, तो वेपर्स बन जाते हैं दोस्तों आपका, जैसे क्वथनांक पूछेगा तो गर्म करना, तो क्वथनांक इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों, ना कि गलनांक। तरल की बात पूछी गई यहाँ पे, तरल पदार्थ जो उबलता है तो क्वथनांक देखिएगा, जैसे पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है तो वो भाप बनने लगता है, तो क्वथनांक राइट आंसर रहेगा। उसके बाद LPG में कौन सा स्टिंगिंग एजेंट मिलाया जाता है, तो मिथाइल मरकप्टेन, आपने पूरा नाम सुना होगा, जो गंध के लिए सल्फर का एक यौगिक होता है मिथाइल मरकप्टेन, ये मिलाया जाता है, तो मरकप्टेन राइट आंसर रहेगा। उसके बाद आगे है, फ्लेम कटिंग उपकरण एसिटिलीन गैसों को डैश संयोजन के साथ काम करते हैं, तो एसिटिलीन और ऑक्सीजन राइट आंसर रहेगा दोस्तों। जो वेल्डिंग करने वाली गैस है इसका ऑप्शन 11 में का रहेगा ए राइट आंसर, ऑक्सीजन। जो वेल्डिंग गैस होती है वो ऑक्सीजन प्लस एसिटिलीन गैस होती है। ये फ्लेम कटिंग यानी कोई भी बर्तन, वो शीट मेटल वगैरह काटते हैं हम, या फिर दोस्तों उनको वेल्डिंग करते हैं, तो काटने का पूछा गया इसमें, तो देखिए संयोजन दिखा वैसे तो कि फ्लेम कटिंग उपकरण में एसिटिलीन गैसों और डैश के संयोजन के साथ काम करते हैं, तो इन उपकरणों वगैरह को काटने के लिए जो है ना, वेल्डिंग करने में तो दोस्तों आपको ऑक्सीजन इसमें राइट आंसर रहेगा, लेकिन अगर काटने की बात पूछेगी तो कोई द्रव या तेल से रिलेटेड भी इसमें आपका आंसर हो सकता है, ये आंसर के आने पर देखेंगे। अगर वेल्डिंग से पूछता तो ऑक्सीजन रहता राइट आंसर, लेकिन यहाँ पर पानी भी हो सकता है, तो इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं दोस्तों। उसके बाद है 19.5 ऑक्सीजन स्तर को डैश की स्थिति में माना जाता है, तो सामान्य नॉर्मल राइट आंसर रहेगा, क्योंकि 21 लगभग जो है ना ऑक्सीजन की स्थिति स्पष्ट रहती है। उसके बाद आगे चलते हैं दोस्तों, अगला है, डैश एक यौगिक ग्रंथि है जो अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों की तरह काम करती है, यानी मिक्स ग्लैंड पूछा गया दोस्तों। देखिए इंग्लिश में देखिएगा, इट इज ए कंपोजिट ग्लैंड विच एक्ट एज बोथ ऑक्सिन एंड एंडोक्राइन ग्लैंड, यानी मिश्रित ग्रंथि पूछी गई जो बाह्य तरह भी काम करती है अंदरूनी तरह भी, तो दोस्तों आपका अग्नाशय पैनक्रियाज राइट आंसर रहेगा, केवल एक यही है जो मिश्रित ग्रंथि के रूप में कार्य करती है शरीर के अंदर। इनमें से रोथा बीन ज्ञात करना है दोस्तों, एक बार इसको छोड़ देते हैं, ये अभी सॉल्व नहीं किया है। उसके बाद आगे है, स्ट्रक्चर कैरी लैंग्वेज में किसी चार समूह का डाटा या सेट के भीतर के डाटा अंतर को संदर्भित करता है, मानक विचलन स्टैंडर्ड डेविएशन जो है ना भीतर जो समूह के डाटा के सेट जो भीतर होता है उसको जो है ना संदर्भित करता बताता है,
उसके बाद ज्वलनशील तरल पदार्थों में आग बुझाने के लिए ऊंच वेग प्रणाली का उपयोग किया जाता है, जिसका फ्लैश बिंदु डैश से ऊपर होता है। आग बुझाने के लिए दोस्तों 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर तो दोस्तों आपका आग नहीं बुझाएगा, क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है। तो यहाँ पे 65 जो है ना, इसको क्वेश्चन को छोड़ देते दोस्तों, लेकिन एग्जैक्ट तो नहीं कह सकते, 65 के अराउंड या 70 के अराउंड इसी तरीके का जो होना दिखाया गया था वो इसमें होता, लेकिन इसका कन्फर्म नहीं है तो इसको छोड़ देते हैं। उसके बाद है CO2 जो ना, यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस हवा की तुलना में डैश है, तो भारी राइट आंसर रहेगा। बिल्कुल सही है इस लड़के का, भारी राइट आंसर रहेगा। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, इन क्वेश्चन को छोड़ देते हैं भाई। उसके बाद ये बिल्कुल आपके सब्जेक्ट स्पेसिफाई क्वेश्चन है। ये अगला आ गया दोस्तों, इस झील को डैश किस झील को डैश ओट्टू जलाशय भी कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, सूखना झील आपकी रहेगी इसके चंडीगढ़ के अंदर दोस्तों, तो ये तो वैसे ही कुछ का जूही कैनाल आपका भिवानी के अंदर है। आपका बसता है दीवानवाला झील और जो द धूनर झील, तो दीवानवाला झील आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। उसके बाद आगे चलते हैं दोस्तों, MCB का पूर्ण रूप क्या है। MCB यानी जो हमारे घरों में दोस्तों MCB वगैरह होते हैं, कई बार बिजली खराब आने पर अपने आप कट लग जाता है, तो इसकी फुल फॉर्म होती है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। यानी जैसे ही दोस्तों बिजली कटती है, सर्किट ब्रेक होता है, फ्यूज वगैरह उड़ते हैं, तो MCB गिर जाती है, तो ये इसमें दिखाया गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इंडिया के अनुसार इमारतें ऑक्यूपेंसी के ग्रुप H के अंतर्गत आती हैं, तो औद्योगिक इंडस्ट्रियल ये इसमें राइट आंसर रहेगा। उसके बाद ये छोड़ देते हैं दोस्तों। उसके बाद अगला है, एंटी पायरेटिक औषधियों का प्रयोग किस कार्य के लिए किया जाता है। तो एंटी पायरेटिक जो होती हैं दोस्तों, ये बुखार को कम करती हैं, एंटी पायरेटिक दवाएँ दर्द यानी बुखार को कम करती हैं, तो ये इसमें राइट आंसर रहेगा। उसके बाद आगे चलते हैं, आगे है दोस्तों 30वां क्वेश्चन आपका, कौन सा सक्रिय अग्नि सुरक्षा प्रणाली है। तो ये इसमें से दोस्तों क्वेश्चन उनमें से ऑप्शन आपका बिल्कुल फर्स्ट सही रहेगा, आग प्रतिरोध यानी जो ज्वलनशील है उस प्रतिरोध के लिए टेंट दीवारें होनी चाहिए और फरस वगैरह होने चाहिए, तो ये है। उसके बाद तीनों तो ये आपके आग से ही रिलेटेड रहेंगे। अगला क्वेश्चन 31वां, कौन सी जहरीली गैस है। जहरीली गैस सल्फर डाइऑक्साइड ये आपका रहेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड अगर मिश्रित होती तो वो यहाँ पे होती, लेकिन यहाँ पे SO2 सल्फर डाइऑक्साइड रहेगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी सिंथेटिक रस्सी का प्रकार है। तो नायलॉन आपका, नायलॉन जो आपका सिंथेटिक है, ये आपका राइट आंसर रहेगा। उसके बाद अगला है भाई, वोल्ट इज इक्वल टू एम्पियर गुणा वाट। वाट वोल्टेज, क्योंकि वोल्ट को ही नापता है, तो यहाँ पे ओम और रेजिस्टेंस इसके अपोजिट हैं, तो वाट इसमें रहेगा। अगला है, कौन सा ऊष्मा का संचरण तरीका नहीं है। देखिए दोस्तों, विकिरण लगाया, लेकिन विकिरण तो एक ऐसा माध्यम है जो बिना ऐसा है ऊर्जा संचरण जो कन्वेंशन का माध्यम, जो इसको किसी माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती, यानी किसी भी जो एक तरीके से बोले कि किसी माध्यम के द्वारा संचरण करना पड़ता है, उसकी जरूरत नहीं पड़ती। तो कन्वेंशन, कंडक्शन और विस्फोट। विस्फोट में दोस्तों ऊर्जा का संचरण जो है ना, उस ऊर्जा का संचरण ही होता किसी विस्फोट करने में, तो उसमें से ऊर्जा एकदम विस्फोट होती तो फैलती नहीं, ऊर्जा निकलती है। कंडक्शन और कन्वेंशन, तो कंडक्शन यहाँ पे मेरे हिसाब से दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होना चाहिए। उसके बाद चलिए आगे चलते हैं, इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, ये आपके आगे हैं, ये अग्नि सुरक्षा कोड पूछा गया, इसको छोड़ते हैं दोस्तों। TEC का फुल फॉर्म यानी पूर्ण रूप क्या है। तो टर्नरी यूकेटिक क्लोराइड इसमें रहेगा। पानी डैश वायुमंडल दाब पर उबलता, तो पानी का पूछा गया कितने डिग्री सेल्सियस ताप पर उबलता, तो 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर जो पानी उबलता है, ये राइट आंसर रहेगा। उसके बाद आगे चलते हैं, अगला है हरियाणा जी क्या क्वेश्चन। हरियाणा के डैश जिले में सरस्वती संरक्षण अभियान स्थित है। तो राइट आंसर रहेगा दोस्तों कैथल में, कुरुक्षेत्र नहीं, कैथल राइट आंसर इसमें रहेगा। इसका दूसरा नाम है सियोनसर अभियान भी इसको बोला जाता है। सरस्वती केवल दो ही आपके दोस्तों ये संरक्षण अभियान है हरियाणा के अंदर, एक जींद का बीरबारा और एक ये सरस्वती कत्थल में। उसके बाद आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका ये दोस्तों अगला 60वां क्वेश्चन, डैश का उपयोग आमतौर पर पानी पहुंचाने के लिए किया जाता है, सक्शन हो जिसमें रहेगा।
61वां क्वेश्चन है, किसी वस्तु की गति के कारण होने वाली ऊर्जा को डैश कहा जाता है, तो राइट आंसर दिख रहा है आपको गतिज ऊर्जा। कोई वस्तु गति में होगी उसके कारण जो ऊर्जा उत्पन्न हुई तो उसको गतिज ऊर्जा हम बोलेंगे। तो दोस्तों ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़्यादातर क्वेश्चन आपने देखा सब्जेक्ट स्पेसिफाई क्वेश्चन दोस्तों आपके हैं, क्योंकि 70 से 75 क्वेश्चन आपके स्पेसिफाई सब्जेक्ट से हैं जिसका आपका एग्जाम है, और दो तीन क्वेश्चन जिसमें हरियाणा जीके के 4 से 5 क्वेश्चन हैं, और दो तीन क्वेश्चन आपके मैथ रीजनिंग वगैरह के हैं। तो इस प्रकार से सिलेबस आपका जो पैटर्न एग्जाम का रहा है। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना दोस्तों, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।